रात्रि क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968। पहले पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। जो समझाने वाले हैं माना बुद्धिमान है, और जिनको समझाते हैं मन बुद्धू है, कुछ मुकाबले उनके। तो जो समझाने वाले हैं उनको फिर पांव तो पड़ना पड़ता है ना, एक है हद में पांव पड़ना और एक है बेहद में पांव पड़ना। पांव माने बुद्ध रूपी पांव, तो इनको पूछना चाहिए। कि तुम जिनको पांव पढ़ते हो तो तुमको कौन पढ़ाते हैं? ओके, जो पढ़ाते हैं उनको तो फिर एक को पांव लगना है ना। नहीं तो एक आ व्यभिचारी और दूसरा व्यभिचारी। तो अगर ब्रह्मा कुमारियों को नमस्ते दंडवत प्रणाम करते हैं तो जो दंडवत प्रणाम करते हैं उनको क्या कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले? व्यभिचारी या व्यभिचारी है? कहेंगे व्यभिचारी। अब व्यभिचारी माना एक को याद करना चाहिए है? उस एक को याद करना चाहिए जिन्होंने इनको सिखलाया है। तो कोई न कोई तो एवरलास्टिंग सिखलाने वाला एक ही होगा ना। बहुत तीखा होगा। तो ये समझने की बात है ना, ये समझ चाहिए। कि भाई जब ये इतनी तीखी है ब्रह्मा कुमारी तो इनको समझाने वाला कैसा होगा? तो जो समझाने वाला है इन ब्रह्मा कुमारियों को भी समझाने वाला है, उनको जाकर के पकड़े, क्यों ना पकड़े। तो देखो उन लोगों को तो ये ख्याल भी नहीं आता है कि भाई ब्रह्मा कुमारियों को जो पढ़ाने वाला है उसको जाकर पकड़े। वो तो बस ब्रह्मा कुमार कुमारी में ही राजी खुशी हो गया, खुश होकर के फिर आते रहते हैं। हाँ अगर अच्छी तरह से समझ गए फिर तो यहां भी भागेगा। कहां कहां भागेगा? बाबा के पास है? हाँ ऐसे जो उनके ऊपर गिरते हैं, जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर इनके पास आ सकते हैं।
किनके पास माने किनके पास है? ये जो मुकर्रर रतधारी हैं अथवा टेम्पररी रथधारी ब्रह्मा के मुख हैं, है इनके पास आ सकते हैं। तो आजकल तो बहुत करके हर एक आत्मा के रूह को देखना पड़ता है, इनके अंदर कौन सा वायुमंडल चलता है, तो वायुमंडल बिल्कुल ही अच्छी तरह से चल रहा है कि इस विश्व में तो मारा मारी अशांति बहुत ही है। तो अभी विश्व में शांति के चित्र पर उनको बताना चाहिए कि ये देखो ये है सतयुग, सत्य का युग, वहां शांति होती है, और ये है असत्य का युग, यहां मारे मारे अशांति। तो जहां शांति है सत्य का युग है वहां एक ही धर्म और एक ही राज्य होता है, द्वैतवाद की बात ही नहीं, देवताएं होते ही हैं अद्वैत। और देखो आज की इस दुनिया में कितनी मारामारी अशांति, तो जरूर द्वैतवाद है ना, दो दो धर्म हैं, दो दो राज्य हैं, दो से चार, चार से आठ, मल्टीप्लिकेशन मठपंथ संप्रदायों का होता ही रहता है। तो देखो जहां सुख शांति है, सच्चाई है, उस दुनिया को ये है बिन कहा जाता है। बिन माने जीतना, है बिन माने उसको जीता हुआ है, तो उसमें शांति तो ये हमारा एक धर्म है जिसे अद्वैत धर्म कहा जाता है। किसका? दैत्यों का या देवताओं का? देवताओं का कहा जाता है, दैत्यों का द्वैत धर्म, दो दो धर्म उनकी दुनिया में, दो दो राज्य, द्वैतवाद ही होते हैं। तो देखो सत्य बाप आकर के गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, तो सच्चा बाप आकर के जो सच्ची दुनिया स्थापन करते हैं, नई दुनिया, तो वहां तो कोई ताली बजने की बात ही नहीं, कोई शोरगुल होने की बात नहीं, झगड़ा टंटा नहीं, किसके साथ करेंगे, सबका एक ही मत, एक ही भाषा। तो फिर ये कहे जाते हैं अद्वैतवाद की दुनिया में दैवी गुण वाले हैं और सभी ही दैवी गुण वाले हैं, और इनको ही रामराज्य कहा जाता है। इसलिए
रामलीला में भी यादगार दिखाते हैं कि राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर। तो अनेक सिर है तो अनेक मत मतांतर होंगे ना, तो मुड़फुट टाइल होती है। तो जहां राम राज्य में एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत, वहां तो हंगामा गड़बड़ आदि की कुछ बात ही नहीं होती। अभी वो बातें उनको अगर समझा गए चित्रों पर राम राज्य और रावण राज्य की, तो पिछाड़ी में ये शास्त्र सामना करते हैं कि नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है वहां भी शांति नहीं थी, वहां भी लड़ाई झगड़ा मारा मारा दिखाई दिया। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप था, पीता में भी रावण संप्रदाय थे, रावण राज्य त्रेता में दिखाई दिया। और कहते थे शास्त्रों का मिसाल देकर, कहते भी हैं कि वहां ये सभी राक्षस संप्रदाय थे तो ये कृष्ण भगवान को भी तंग करते थे, और त्रेता में रामचंद्र को भी तंग किया। तो आप बचाओ बताओ फिर क्या बाकी बचा, तो फिर तो विश्व में शांति हो सकेगी है? चारों युगों में अशांति हो गई, मारामारी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया है, दुख दर्द होता रहा है, तो फिर विश्व में तो शांति होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बात सब नहीं समझेंगे है? जो तुम्हारे देवताई कुल के होंगे वो ही समझेंगे, जो उन दैत्यों के संसर्ग संपर्क में द्वापर युग में आने से है प्रभावित हो गए थे, उनके संग के रंग में आने से नीचे गिर गए थे। तो जो पहले नीचे गिर गए द्वैतवादी द्वापर युग में उन दैत्यों के संग के रंग में, वो ही फिर यहां आएंगे बाप के पास। कौन से बाप के पास? वही हेविनली गॉडफादर है जो हेविन बनाने का रास्ता बताते हैं। है? तो उनमें जो सेंसिबल होंगे अच्छे अच्छे, उनको समझाने से वो बोलेंगे ये तो ठीक बात है, और वो जो अच्छे नहीं होंगे नॉन सेंसिबल होंगे तो वो लड़ेंगे। तो देखो इस राम राज्य का नाम ही है कि राम राज्य में तो सभी सुखी थे, तो तुम तो महिमा करेंगे राम राज्य की, और वो तो राम राज्य में भी ग्लानी कर देंगे। है?
अभी तुम तो शिव की भी महिमा बहुत अच्छी करते हो। तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर पहला नंबर श्री कृष्ण प्रिंस, उनकी भी तो महिमा करनी पड़ी ना। बाप की महिमा तो बच्चे की भी महिमा होगी। कौन से बच्चे की? जो पहला नंबर कृष्ण है उसे की महिमा होगी ना। बाकी बाद के बच्चे तो फिर नंबरवार होते हैं ना। तो जरूर समझा जाए कि इसकी महिमा किसकी है, किसकी महिमा। किसकी कह के किसकी तरफ इशारा किया है? अरे जिसके बाजू में बैठ करके शिव बाप मुरली चलाते हैं ना, उसी कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है उसी के लिए बोला है कि इसकी महिमा है। जब बाप की महिमा है तो बच्चे की भी महिमा। और ये बाप तो ऊंचे के ऊंचा है क्या? जो भी सृष्टि पर है, प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है, सुधरे ले हैं अनसुधरे ले हैं, उन सबसे ऊंची स्टेज वाला तो ये है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो इसकी महिमा तो जरूर इनको, जिसने क्रिएट किया कृष्ण को, तो क्रिएट करने वाला तो क्रिएटर हुआ ना, रचयिता हुआ ना, तो रचयिता ऊंचा है या रचना ऊंची? रचना को ग्रेड कम हुआ, पीढ़ी बदल गई ना। तो देखो इनकी भी तो महिमा बहुत अच्छी है। किनकी? जोड़ो जो भी टेंपरेरी रथधारी ये ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं, इनकी भी तो महिमा बहुत अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि ये तो आखिरी उन दैत्यों के मुकाबले पहले पहले ये बाप को ही पहचान लेते हैं ना। और वो बाप ही ज्ञान का सागर है। कौन सा बाप? जिस मुकर्रर रथधारी में है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाले मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो आप समान बनाते हैं। तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, तो उनको सागर कहा जाता है। तो फिर सागर से है, जैसे प्रलय में दिखाते हैं ना कि प्रलय हो गई, जलमयी हो गई, सागर है सारे संसार में छा गया, फिर नई दुनिया कैसे बनी? पहले पहले
अंगूठा चूसते हुए कृष्ण वो पत्ते पर आया है। कौन सा अंगूठा है? शास्त्रों में लिखा है ना कि आत्मा अंगुष्ठाकार है और उसका शेप भी देते हैं 40 ग्राम का। अंगूठे में से 40 ग्राम बनाते हैं ना, तो आत्मा का अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया तो बरोबर कहेंगे ये पहले नंबर में कृष्ण है। कौन सा कृष्ण पहले नंबर में है? एक तो सती भी कृष्ण कलाबद्ध कृष्ण 16 कलाओं में बंधा हुआ है, और एक वो कृष्ण जो बाप आकर के अतीन्द्रिय सुख की वैकुंठ की दुनिया रचते हैं है, उसमें सुख भोगने वाला। तो इंद्रियां तो क्षण भंगुर, तो इंद्रियों का सुख भी क्षण भंगुर, और इंद्रियों से अतीत परे आत्मा तो इंद्रियों से अतीत है ना। तो वो जो बाप संगम पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं और जिस कृष्ण को पहले पहले अपनी गोद में लेते हैं है? तो ये कृष्ण है वह पहले नंबर में। माना जो भी कृष्ण की महिमा करते हैं या जो भी देवताओं की महिमा करते हैं वो महिमा सारी कहां की है? सतयुग की है, त्रेता की है, द्वापर कलयुग की है, कहां की है? उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया। वास्तव में सारी महिमा इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, जहां हेवनली गॉड फादर निराकार है शिव आकर के उस कृष्ण बच्चे को है अपनी गोद में लेकर के रास्ता बताते हैं। कौन अपनी गोद में लेकर रास्ता बताते हैं? हेवन स्थापन करने का रास्ता कौन बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं, शिव बापा नहीं है। हाँ, शिव बाप की ही आत्मा उस मुकर्रर रथधारी अर्जुन कहो आदम कहो उसके तन में आकर के है बाबा बनती है। निराकार है तो फिर बाबा चाचा नाना काका ताऊ थोड़ी कहेंगे। निराकार है तो सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप है, दूसरों कोई संबंध बनता ही नहीं। तो पहले नंबर में ये शिव बाबा का बच्चा है संगम युगी कृष्ण है। तो कृष्ण जो सागर में है वो कौन सा कृष्ण है? कहेंगे शिव बाप जिस मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं वो मुकर रथधारी के अंदर ही बाप ही पहले पहले ज्ञान सागर का पार्ट बजाते हैं। क्या? तो ज्ञान सागर भी
पहले पहले कौन? पहले पहले जरूर कहेंगे कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके महादेव का पार्ट बजाते हैं। कहा ना, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। तो सागर भी कौन हुआ पहले है? कौन सी आत्मा के लिए कहेंगे? शिव के लिए कहेंगे ना, क्योंकि जिस मुकर्रर तधारी में प्रवेश करते हैं वो तो अंतिम जन्म में आकर के क्या पत्थर बुद्धि बनता है या पारस बुद्धि बनता है, क्या बन जाता है? अरे पत्थर बुद्धि ही बन जाता है ना संग के रंग में आते आते। तो देखो इसको किसने पैदा किया, जो कलाबद्ध कृष्ण है, जरूर कहेंगे जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उसको शिव बाप आकर के आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जब बनाते हैं तो वो ही उसको जन्म देने वाला दाता रचयिता। तो फिर ये सवाल भी तो उठता है ना बच्चे कि भाई पहले पहले कौन और बाद में कौन, पहले ज्ञान सागर कौन और बाद में ज्ञान का सागर कौन, पहले कृष्ण कौन और बाद में कृष्ण कौन। पहले पहले जो कृष्ण है जरूर अव्वल नंबर का सुख भोगने वाला है, वैकुंठ का सुख भोगने वाला होगा ना, है जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। कौन सिखाता है? वही बाप आकर सिखाता है जिसको अपनी इंद्रियां होती ही नहीं होती है, नहीं होती है। तो वो अति इंद्रिय सुख कैसे अनुभव करना है वो बताते हैं। तो फिर जरूर कहेंगे के ये जो कृष्ण नामधारी है दो हुए कि एक, दो हुए तो इनसे ऊंचा कौन? कहेंगे इनसे ऊंचा तो फिर भगवान ही कहा जाएगा है। क्यों कहा भगवान है? भगवान माने भाग्यवान। तो क्या सुप्रीम सोल बाप भाग्यवान है? कहेंगे हाँ, इस सृष्टि में जब आता है तो सारी दुनिया उस बाप को याद करती है या नहीं करती? हाँ। याद करती है तो जरूर पहचानती है। तो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, श्रेष्ठ हो निष्कृष्ट हो, श्रेष्ठ है तो देवात्मा कहे जाते हैं, नीच है तो राक्षसी आत्माएं कही जाती है, तो वो सभी निराकार को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, जो देव आत्माएं हैं वो भी निराकार को तो मानती है ना, भले साकार को भी पहचान लेती है, है? और जो दैत्य हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, हिंसा करने वाली, वो उस बाप को नहीं पहचानती,
पूरा पूरा नहीं पहचानती कि वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाता है पुरानी दुनिया को। वो तरीका उनको समझ में आता है, है? उन दैत्यों को आता है समझ में? नहीं आता। तो देखो, और तो कोई भी इस दुनिया में इनसे ऊंचा नहीं है। इनसे माने किन से? हाँ, जो दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन बनता है एक शरीर में, एक ही व्यक्तित्व में, एक निराकार और एक साकारी, सो निराकारी बन जाता है। क्यों होता है? हमेशा मुकर्रर अर्थधारी हमेशा निराकारी होता है क्या? नहीं होता ना। तो बताया, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, निराकार सदाशिव और इस सृष्टि पर है जो साकार है, और साकार से बाप के सिखाए हुए रास्ते पर, राजयोग के रास्ते पर चलता है, तो साकार से निराकारी बाप समान भी बनते हैं। तो इनसे ऊंचा माने इन दोनों आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन हुआ ना एक शरीर में, इन दोनों आत्माओं से ऊंचा तो कोई इस दुनिया में कोई व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है? कोई नहीं। तो बताया कि अभी फिर भगवान कैसे आता होगा? भगवान क्या चीज है? ये बेचारे नहीं समझ सकते। अब ये ही बात नहीं समझ सकते हैं कि आखिरी एवरलास्टिंग भगवान कौन है? नहीं तो शास्त्रों में भरमा ही दिया, आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा सो परमात्मा। तो जो बेचारे नहीं समझ सकते हैं तो बाप कहेंगे कि कुछ भी नहीं समझते। ओम शांति।